अरे बात करते हैं शिवपुरी की, जहां एक बहू ने जेठ और देवर के साथ रिलेशन बनाने से मना कर दिया तो सास और पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसे पीटा भी। जेठ ने पेट पर लात मारी तो 2 महीने का गर्भ गिर गया। पीड़िता ने महिला थाने में सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहां सुनवाई नहीं होने पर सोमवार उसने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के टोंगरा रोड की रहने वाली महिला ने बताया कि वो मूलतः मुरैना की रहने वाली है, जिसकी शादी टोंगरा रोड के रहने वाले युवक के साथ 5 मई 2021 को हुई थी। पिता ने दहेज दिया। शादी के बाद भी ससुराल वालों की मांग पर पिता लाखों रुपए अलग से दे चुके थे। इसके बावजूद वो लगातार रुपयों की मांग करते हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके अकाउंट में भी 2 लाख रुपए थे, उसने वो भी दे दिए। वहीं अब उसके बाद भी वो 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। महिला का कहना है कि पति के 2 बड़े भाई और 1 छोटा भाई है, तीनों की ही शादी नहीं हुई है। पति अपनी माँ और तीनों भाइयों के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहा है। जेठ और देवर उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। मौका मिलते ही वो उसके साथ अश्लील हरकतें भी करते हैं। इसकी शिकायत उसने पति और सास से की तो उन्होंने चुप्पी साध ली, जबकि जेठ और देवर रिलेशनशिप बनाने के लिए अड़े हुए हैं। पीड़िता का कहना है कि दोनों ही युवक नशे के आदी हैं और यही कारण है कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। नशे के बाद वो उसके साथ छेड़खानी करते हैं। वहीं पति से शिकायत करने पर उसने सास के साथ मिलकर पिटाई कर दी। महिला ने बताया कि वो 2 माह से गर्भवती थी, जहाँ जेठ ने उसके पेट पर लात मार दी, जिसके कारण उसका गर्भ भी गिर गया। राजेंद्र सिवारे कि मैं सोया, और संजय सिवारे कहते हैं मैं सोया इसके साथ में, और सुनील सिवारे कहते हैं मैं सोया इसके साथ में। इसी के ऊपर लड़ाई हो रही है मेरे देवर जेठ की। प्रेगनेंसी होने पर आई थी 2 महीने, इन्हें पेट में लात मात मारी तो मेरी ब्लडिंग चालू हो गई एकदम। किसने मारी थी बात? मेरे वो जेठ ने मारी और देवर ने मारी, उठा के पटक दिया तो पागल सी हो गई थी। अभी मैं बच्चा कितने माह का था? बच्चे 2 महीने वैसे प्रेगनेंसी तो कमजोर हो गई है सर। मेरे जो दवाई खिला के मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं।